हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है यूरो कप 2024। यूरो कप का संबंध किस खेल से है, तो यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, यूरो कप 2024। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो इसका आयोजन 14 जून से 14 जुलाई 2024 के मध्य हुआ। यह इसका कौन सा संस्करण था, तो यह इसका 17वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने भाग लिया, 6 जो कि 6 ग्रुप में डिवाइड थी, ए बी सी डी ई एफ। इस टूर्नामेंट को किसने जीता, यूरो कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, तो स्पेन ने जीता और रिकॉर्ड चौथी बार जो है स्पेन चैंपियन बना है। इससे पहले उसने कप कप जीता है, 1964 में, 2008 में, 2012 में और 2024 में। उपविजेता कौन रहा, अर्थात स्पेन ने किसे पराजित किया है। स्पेन ने यूरो कप 2024 में इंग्लैंड को पराजित किया और 2-1 से पराजित किया। यूरो कप 2024 का शुभंकर क्या था, तो यूरो कप 2024 का शुभंकर एल्बर्ट टेडी बियर था। यूरो कप 2024 का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, या प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया, तो निको विलियम्स जो हैं स्पेन के खिलाड़ी जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो रोड्री रहे, जो कि स्पेन के मिडफील्डर हैं। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यूरो कप 2024 का कौन रहा, तो लामिन यामल रहे, जो कि स्पेन के ही खिलाड़ी हैं। एक जी के एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।